इसमें अनुभव स्वर्ग की जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाए, हाय रे मन को भिगोती जाए। छुट्टियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और मैं हूँ पूजा नौटियाल उत्तराखंड के ऋषिकेश से। आज के व्लॉग की शुरुआत में करीब कर रही हूँ शाम के 7 बजे, और शाम के 7 बजे इसलिए जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ना ऋषिकेश की इतने सालों से यहाँ पर रहते हुए भी गंगा आरती कभी नहीं देखी, तो हम जा रहे हैं अब गंगा आरती देखने के लिए, और सोना के पापा भी आ गए हैं नीचे पे, तो बस हम फटाफट से चलते हैं। थोड़ा मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ और उसके बाद जो है हम चलते हैं गंगा आरती को देखने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाएंगे गंगा आरती, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बच्चों को हम नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि रात का टाइम है और स्कूटी से जाना है हम लोगों ने, कार ले जानी तो बेकार ही है क्योंकि घाट रोड पर काफ़ी जाम रहता है, और अगर हमने कार ले जानी है तो फिर कार हमें ऊपर वो करनी पड़ेगी कहीं पार्क, और फिर पैदल जाना पड़ेगा। स्कूटी तो सीधे वहां तक ही घाट तक ही चल जाती है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए व्लॉग में। और कम तो दोस्तों ये है मेन त्रिवेणी घाट का तट, और यहाँ पर जो है लोग स्नान करते हैं, इस तट की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जैसे ही हम यहाँ पर आए गंगा आरती तो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि आपने ट्रैफिक तो देखा ही, फिर हमने यहाँ पर फूल चढ़ाया और जो है इसको अगरबत्ती वगैरह इस तरीके से जलता हुआ फूल चढ़ाए यहाँ पर गंगा जी में, और मैं गंगा माँ से प्रार्थना करूँगी कि हम पर हमारे दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जो है रात का समय था तो हम दोनों भी फूल नहीं चढ़ा नहीं पाए क्योंकि मुझे फ़ोन स्टैंड लगाने में जो है छोड़ने में डर लग रहा था, तो इस वजह से। और इतने सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं, सारे टूरिस्ट, और रात में नहा रहे हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं कि गंगा जी का पानी भी कितना मटमैला हो रखा है, देख सकते हैं आप लोग, और भीड़ देख सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर गंगा आरती के लिए पहले से ही लोग बैठ जाएंगे। हम दूसरे दिन ज़रूर प्रयास करेंगे आने का और टाइम से पहुँच जाएंगे, और तब आपको जो है गंगा आरती दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कि नाइट व्यू कुछ इस तरीके से है त्रिवेणी घाट का, और अगर आप लोग ऋषिकेश विजिट कर रहे हो तो जरूर देखना है गंगा आरती के लिए, बट जो है ट्रैफिक की वजह
वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, आरती ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ये है त्रिवेणी घाट का नाइट का व्यू, और अगले दिन हम जरूर कोशिश करेंगे आने की। है क्या ये है तो इस लड़की के पास। हाँ तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ रखे हैं, और हर ट्रैफिक की वजह से जो है हम लेट हो गए। तो बस थोड़ा आपको व्यू दिखाते हैं। कैसे चल रहा चले गई ये मेरी माँ। काम मारेगा वो 666 बार गिरा। कितने रुपए का है? 50 रुपए। कहीं भी गिरेगा ये, मतलब कहीं भी गिर सकता है। तुम दिखा, तुम देखना जरा चला के, लाइट इसमें जलती रहेगी। अरे पहले जैसे करना था, ऊपर वाला ऐसे करो, ऐसे। अच्छा आ रही है सही? हाँ सही आ रही, जय माँ गंगे आ रहा है। इधर दिखाओ, पब्लिक को भी दिखाना है, पब्लिक को भी। पब्लिक को मैं दिखा दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर शिव और पार्वती की प्रतिमा, ये देख सकते हैं माँ गंगे। बस आज यही देखने को मिला, देख सकते हैं। चलो जी चलो जी चलो तय बोलो क्या हूँ क्या है वाला नाम है वजन मैं ना हूँ बच्चों का हूँ। उन्होंने बकायदा उठ रहा है, कुर्सी से उठ रहा है ये। अच्छा तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो यहाँ को आपको साधु संत दिख रहे हैं, ये यहीं पर अपना जीवन जो है जीते हैं, देख सकते हैं, और यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ से जो है जैसे वहाँ ऊपर से है ना फिर आने का, तो इस साइड पार्किंग दिखेगी आपको। ये देखो सारी पार्किंग इस साइड है, और उस साइड जो है जाने का रूट है। तो यहाँ से टू व्हीलर फोर व्हीलर की पार्किंग, ये देखो, और हमारी स्कूटी लग रखी है यहाँ पर हैंगर्ड, यहाँ पर रास्ता है। तो आज आके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाम की वजह से, पर हम अगले दिन है योग नगरी का बोर्ड ये देख सकते हैं। तो बस अब हम चलते हैं घर की तरफ, और जो हम रास्ते में सब्जी वगैरह लेंगे। दोस्तों आप निकल गए हैं हम घर के लिए, और जो है अभी हमने सब्जी भी ले जानी है, तो आगे से सब्जी उसके बाद चलेंगे हम सीधा घर की तरफ। बड़ी थाली में यू फैलो, ये रखो आगे, अब वो मेरे पास दे दो ये भाई। तो दोस्तों फाइनली सब्जी वगैरह भी ले ली हमने, अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। स्कूटी अपनी लगी भगाना वा, इतनी देर होगी कबरे बनाना मनु खान, और कबरे खाना मनु है। अजो पहली तक देख तो कैसे चलता है वो। तो ये रहा इनका रॉकेट, ना मैं उड़ा के दिखा, मैं उड़ाती हूं। ये देखिए कैसा लगा सुनी, बहुत अच्छा है। मैं इसको दिखाती हूं, पहले यहां पे ये है, इसको यूं हां उड़ा, गिरना मत तू खुद। हां
ऐसे नहीं आना था तुमने गलत पहले इसको घुमाना हाँ तो ज्यादा वो बड़ा मत कर तो तू खोल तो नहीं रही चाबी दिखा वहाँ भीड़ में उड़ा रहे थे मैंने सोचा ये ड्रोन है किसी का अब देखा मैंने ओहो ये कैच कर रहे मस्त घूम रही ना चल मैं घर जाती हूँ तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ घर और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला जिस ट्रैफिक की वजह से जो है हम गंगा आरती भी नहीं देख पाए बस हम 10-15 मिनट लेट थे ट्रैफिक की वजह से बट चलो कोई बात नहीं मैंने अपनी लाइफ में इतना भयंकर जाम घाट रोड पे पहली बार देखा और वो भी जो है नाइट के टाइम पे कुछ अति था और जाम का पता क्या रीज़न था वैसे तो भीड़ तो थी आजकल मतलब टूरिस्ट लोग ज़्यादा आ रहे एक औरत ने इतनी भीड़ में चेन निकाली थी किसी के गले से तो अगर आप भी यात्रा जा रहे हो ऐसे जा रहे हो तो गोल्ड तो भाई बिल्कुल ही मत पहनो गोल्ड के चक्कर में जो है जान पे बन सकती है तो जहाँ पर हम स्कूटी में खड़े थे ना वहाँ पर जो है एक औरत को पुलिस ले जा रही थी क्योंकि वो भीड़ में जो है चेन निकाल रही थी किसी के गले से ना तो ये देख सकते हैं आप लोग ना तो बस अब मैं घर पहुँच गई हूँ सब्जी वगैरह भी ले ली है अब बच्चे हैं नानी के घर उसके नाना आ रहे हैं होटल से खाना वो साथ में ही खाएंगे कि तो मैं आ गई हूँ घर और 9:30 बज गए हैं अब मैं बनाती हूँ खाना पीना इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब